और यार जो मेरा नया घर है ना, यहाँ से आप व्यू देखो बाहर का यार, इतना मजेदार व्यू लगता है ना, मन करता है कि भाई बादलों के बीच में उड़कर चले जाएं। हेलो, गड़ी आपके पिताजी का है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइस अभी सुबह सुबह के ना 9 बज रहे हैं और आज ना बहुत सारे काम निपटा रहे हैं, क्योंकि हमारे नए घर पे जो खिड़की दरवाजे हैं, यानी कि खिड़कियां के जो पल्ले आए हैं उन पे पेंट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं और अभी भाई ये इतने सारे कपड़े हैं जो कि धुल के आए हैं मशीन से, तो इसको मुझे डालना है यहाँ पर सुखाने। और आज मौसम है बड़ा मस्त। और ये है भाई गुड़िया। बाबू करनो क्या है? सोनी इग्नो क्या? क्यारा क्यारा, अरे गिर गई गिर गई गिर गई। आराम से आराम से आराम जी बेटा, आराम जी आराम जी। तो यार गाइस ये देख सकते हैं आपकी बच्चे ना खेलते रहते हैं। क्या तू खाने लगी? संतरा? तो चलो खाओ खाओ। तो चलो यार हम अभी ना कपड़े डाल देते सुखाने। तो अभी यार गाइस मैंने सारे के सारे कपड़े धूप में सुखाने डाल दिए हैं। और सच बताऊं गाइस, मैं ना अपने कपड़े खुद धोता हूं। करीबन मैं 15-16 साल का था तब से ही मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई अपना काम खुद करना चाहिए। और यार मैं पहले से जॉब में बाहर रहा हूं, तो यार करना ज़रूरी भी है। खाना बनाना जैसे हो गया, कपड़े धोना हो गया, सारे घर के काम, झाड़ू पोछा, तो सारा करना भी ज़रूरी है, सीखना भी चाहिए। और एक चीज़ सच बताऊँ, मेरे को ना 2 साल बाद पता चली जब मैं छोटा था कि कपड़े हमेशा धूप में जब भी सुखाए जाते हैं तो हमेशा उल्टे करके डाले जाते हैं, ताकि जो कलर है ना कपड़ों का वो फेड ना हो, यानी कि रंग उड़ जाता कुछ टाइम बाद। तो इसलिए हमेशा उल्टे कपड़े डालने होते हैं। और अगर आपको मालूम था इस बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी ये है भाई क्यारा। और अरे करो वे, ये क्यारा तो सोनी ना, तो स्कूल खेजे आज? स्कूल खेजे छुट्टी आज? तो अभी यार हम चलते हैं सीधा प्लॉट पे और वहीं पर मिलते हैं आपको। तो यार दोस्तों सीन अभी कुछ ऐसा था कि पेंटर का आया था मुझे फोन कि भैया मैं साइड पे आ चुका हूँ, बट अब तक ना पेंट का सामान नहीं आया है। जो हमारे खिड़कियाँ जो पल्ले हैं ना उस पर पेंट होना है, तो उसके लिए अभी प्राइमर नहीं आया है। तो अभी मैंने ठेकेदार को भाई फोन किया, ठेकेदार ने फोन उठाना बंद कर दिया। और जब मैंने पेंटर को बोला कि आप डायरेक्टली ठेकेदार से बात करो, तो वो ठेकेदार बोलते हैं कि भैया उसके पैसे कौन देगा। अब मुझे यार समझ नहीं आता कि जब तो हमें 50,000-1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं तब तो वो कुछ नहीं बोलते कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए, लेकिन जब 2,000-5,000 रुपए का पेंट आता तो ये परेशान करते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं खुद से ना दुकान में जाऊंगा और खुद ही सामान लेके आऊंगा, क्योंकि इनके भरोसे तो यार ऑलरेडी आपको पता होगा, जैसे आप ब्लॉग देखते हो हमारे पुराने, कि 1 साल 2 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जबकि हमें बोला गया था कि भाई दिवाली तक काम करके पूरा देंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद साल भर बोला था। और यार 2 गलती आप कभी मत करना, जब भी आप एग्रीमेंट बनाए ना प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना नोटरी के साथ में। और इसके साथ साथ गाइज आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 2 चीज़ का खासकर जो मैं बोलूँगा आपको, पहली चीज़ कि आपको एस्टिमेट बजट, यानी कि मान के चलो आपका घर बन रहा है तो आपको ठेकेदार से पूछना है भाई मेरा ये एरिया है कितना पैसा लगेगा, बजट कितना खर्च होगा। तो अगर कोई बोलता है कि 25 लाख रुपए होंगे, तो हो सकता है कि 25 की जगह 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। लेकिन मैंने गलती क्या करी कि मेरे को एस्टिमेट दिया था 26-27 लाख रुपए का, और भाई बजट बिठाया पूरा का पूरा 37-38 लाख रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का फर्क पड़ा मेरे बजट में। तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। इसके साथ साथ गाइज आपको दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि आपको हमेशा लिखवाना है खासकर कि आपका घर ठेकेदार कब तक रेडी करके देगा, क्योंकि जब तक आप लिखवाओगे नहीं कि भाई ठेकेदार कब तक रेडी करके देगा, आपको प्रॉब्लम होएंगी। और क्योंकि जब आप ये लिखवा दोगे ना तो ठेकेदार को कहीं ना कहीं भाई किसी ना किसी तरीके से काम पूरा करना होगा। हो सकता है गाइस कि 1-2 महीने का लेट हो जाए घर बनने में जो एग्रीमेंट पे लिखा होता है, लेकिन मेरी तरह तो नहीं होगा, खासकर कि 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक घर नहीं बना। लेकिन ठेकेदार से है मेरा भरोसा उठ गया है, तो सारा सामान अभी मैं लेके आऊँगा। और ये हमारा छोटा भाई है, अभी कहाँ जा रहे हो? अंगूर बेचने? तो अभी यार फ्रूट्स बेच रहा है दोस्त, और अभी हम चलते हैं यार दुकान में। फाइनली गाइस हम पेंट की दुकान पर आ चुके हैं और अभी हम ना जितना भी सामान है वो करवा लेते हैं फटाफट से। मैं साइड पे आ चुका हूँ पेंट लेके, और ये है भाई सामने हमारा जो है पेंट का सामान। और ये हमारे पेंटर साहब रविंदर जी, और इनका काम आप देखना गाइस, देखते हैं कैसा काम करते हैं, उसके बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे और आपको काम करवाना रविंदर भाई से, है ना रविंदर भाई? सही बात है ना? तो ये देखो भाई सारा का सारा प्राइमर आ चुका है, और ये सारे के सारे पल्ले हैं भाई हमारे खिड़की के, फिलहाल ये खिड़की खिड़की मंगवाई हमने, तो इनमें सारा आज प्राइमर लगेगा। यार मैं आया हूँ जस्ट बगल में घर के, और आप देख सकते हैं मुंबई लुक सैलून का एक नया उद्घाटन हुआ है, और एक हमारे भाई हैं, क्या हाल है दोस्त? तो वाह जी वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा बना दिया यार,
बधाई हो तुम्हें यार भाई, बहुत बहुत बधाई हो दोस्त। और सुनाओ। तो गाइस ये है भाई हमारे जस्ट बगल में, घर के बगल में एक नया सैलून खुला है और क्या मस्त बनाया भाई ने। चल यार बहुत कितने दिन लग गए थे बनाने में? 10-12 दिन लग गए हैं रेडी करने में। बहुत मेहनत लग जाती है ना। चलो हैंगे आ जाओ तुम, अब तो हम तुम्हारे परमानेंट कस्टमर हो गए हैं। तो यार देखो क्या मजा आ रहा ना। और हम लोग करते हैं भाई ब्लॉगिंग कुछ ऐसी, अजीब सा लग रहा हूँ बट अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो भाई? भाई करवाएगा मुंह मीठा। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करो सर। लो सर लो, क्या बात है, तुम भी खाओ खाओ खाओ, बधाई हो भाई दोबारा से। तो अभी यार हम ना मुंह मीठा कर लेते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हमने लंच वंच करके ना जा रहे हैं प्लॉट पे जहाँ पर घर बन रहा है। सोनी मेरे को घूर रही थी, कह रही तूने मेरा टॉप पहना है और ये मुझे ये घर से चोरी करके लाई है और मैंने ये अभी देखा कि ये इसमें क्या कर रहा है। तो उपले बनाने जा रहे हैं। क्या बना रहे? उपले बनाने जा रहे हैं, उपले जा रहे हैं कंडा। तो अभी अभी सोनी आई थी। हाय गाइस, हाय गाइस, कह रहा हाय, और वे तो कह रहा हाय गाइस, और साथ में मम्मी जी है। और तो अभी हम जा रहे हैं प्लॉट पे भैया, आपको भी उपले बनाना बताएंगे कैसे बनाते हैं। नहीं नहीं, उपले हम गांव में बनाते हैं, गोबर के बनते हैं ना, बनाए तुमने कभी? हाँ। गोबर में बनाते थे हम। गोबर के उपले गाइस ना बहुत मजेदार होते हैं, वैदु आजा, और बहुत बढ़िया चलते हैं। चलो रोटियां बनती है उपले में? हाँ बहुत टेस्टी, मतलब जो चूल्हे की रोटी होती है उससे अच्छा क्या है, लकड़ी में भी अच्छी, लकड़ी पे ज्यादा स्वाद बनती है यार। तो अभी देखो कि हमारी जो अनन्या है ना ये बिल्कुल ना भाई सीधा खड़ा, सावधान, सावधान, विश्राम। नोनू कुछ कहना है? नोनू नोनू कुछ कहना है? कुछ अच्छा, उंगली काटनी है उसकी, उंगली काटनी है। और देखो भाई सीधी खड़ी है, फट्टे की तरह ऐसा शरीर है, एकदम सीधा स्ट्रेट। अपने बाप पे गई हो गाइस? वो ना अपने बाप पे गई है, है ना, बाप पे गई है। ये सभी आप सभी को प्यार दे रही है वाओ करके। और गाइस ये ना अपकमिंग ब्लॉगर है, हैं बोल दो, फोन में देख रही है। तो अभी गाइस लगभग ना अभी जो है आधा से ज्यादा लकड़ियों पे प्राइमर लग चुका है और इसके बाद भाई बाद में होगा पेंट। क्या हाल है जी मिस्त्री जी? बढ़िया जी। हाँ जी भाई साहब, बढ़िया जी। क्या हाल है? बड़े शर्मा रहे हो। तो अभी थोड़ी बहुत रह गया लगाने के लिए, देखो मुश्किल से 5-6 पल्ले रह गए होंगे। अभी मैं आपको ऊपर का पोर्शन दिखाता हूँ। ये हमारे पप्पू मिस्त्री घिसाई वाले। क्या हाल है पप्पू जी? बढ़िया। हमारे ब्लॉग देखते हो जी? अच्छा जी, उस दिन वाला भी देखे थे। हैं तो अभी पप्पू जी कर रहे हैं भाई नीचे की घिसाई। और यहाँ पर हमारी ये पूरी की पूरी पार्किंग है गाइस, और यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। और जैसे आप देखते हो ब्लॉग में, ये हमारा रूम है। बाकी अभी नीचे वाले पोर्शन पे घिसाई चल रही है, ऊपर का सोने सारा रेडी हो चुका है मालूम है। हाँ चल, अच्छा चलो ऊपर चलते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। और गाइस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये देख रहे होंगे आपकी घिसाई के बाद ना चमक लाने के लिए यहाँ पर पूरा जो है बुरादा डाला गया है। ये लकड़ी का, चील की लकड़ी का बुरादा होता है। और ये देखो आप कुछ इस तरीके से ये फाइनल बन चुका है, बट अभी बस पेंट होना बाकी है, बाकी पत्थर का काम सारा का सारा हो चुका है। और ये रूम है साथ ही साथ में। सोनी कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, ये नोनू का घर। नोनू कुछ बोलना चाहोगे आप? नोनू बोलना चाहोगे? नोनू तुम्हारा घर बोलो। अच्छा ब्लॉग कैसा लग रहा है मम्मी? पत्थर में सोनी को सिंग की दिखा रही है, अच्छी लग रही है। हाँ ये वाली सिंग ना सोनी यार बड़ी महंगी पड़ गई है, बड़ी अच्छी है, डबल सिंग है ना। अभी गाइस हम आ चुके अपने ऑफिस वाले एरिया में सबसे ऊपर टॉप पे, और यहाँ से दिखाता हूँ आपको व्यू। वाह देखो आप, कमेंट करके बताओ गाइस कैसा लग रहा है, बादल बादल और है ना। और ये देखो भाई साहब, भाई बहन है, भाई बहन का प्यार, बहन हुई भाई से ज्यादा वजन में। देखो माँ दिखाई दो थोड़ा, ये है माँ, बड़ी बड़ी मौसी, मौसी। और ये भाई, हाँ और ये देखो भाई गाइस, ये ना व्यूज में आपको हमेशा दिखाता हूँ क्योंकि ना मेरे को अच्छा लगता सही में। और ये देखो यहाँ पर ना बादल ही बादल है ऊपर, और ये पूरा का पूरा भाई हमारा श्यामपुर दिखता है यहाँ से, और आगे है ऋषि के सामने है इनके पिताजी का। हेलो गड़ी, आपके पिताजी का है? बोला हाँ। हेलो, ये बोला हाँ। जोश कुछ कहना चाहोगी? गड़ी पिताजी का है, गड़ी पिताजी का है, बोलो। हाँ,
सुनना चाहते हैं हम। हाँ। गड़ी किसका है? बोला हाँ। कहाँ जा रहे हो? और ये है वैदू का बुलडोजर। किसका है ये? गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी है? चलो चलाओ। ये है हमारे वैदू का रोलर, इससे ये सड़कों को रोल करते हैं। हेलो कली लली, गड़ी आपके पिताजी का है? यस बोलो यस यस। माँ माँ अभी गई। शाम के 4 बज रहे हैं और मामा जी आ चुके हैं भाई प्लॉट पे। आओ मामा जी, कैसा लग रहा घर? बहुत मस्त है। मस्त लग रहा है? सही बताओ। बहुत है। तो भाई मामा ना आप पहली बार आ रहे हैं इस घर में, घर देखने के लिए। और मामा कहते हैं यार बड़ी खुशी हो रही है। है मामा? है। तो चलो भाई मामा को पूरा घर दिखा देते हैं और फिर चलते हैं रूम पे। अभी दोस्तों मैं वापस घर आ चुका हूँ और बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें प्यार करते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो क्या करती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आज कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे योगा वाले, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी वाइफ का यूट्यूब चैनल है ना, जो कि योगा का है यानी कि फिटनेस का। तो ये देखो आप कि ये योगा चैनल है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो भाई आप ना इस चैनल पर आ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। तो यार दोस्तों बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप फेसबुक पर हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं ना, तो यार फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना ताकि आगे चलकर भी आपको प्रॉपर ब्लॉग्स के अपडेट मिलते रहे। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना और ब्लॉग को यार लाइक कर दिया करो गाइस दिल से, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करते हैं। और आगे चल के भी आपको कुछ नए ब्लॉग्स आएंगे जल्दी, जब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा यानी कि काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा गाइज अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।